प्रोजेक्ट के बारे में, मुंबई शहर की होली किस तरह का प्रोजेक्ट है और जो कलाकार हैं उनके बारे में बताइए, कौन से कलाकार नए कलाकार हैं, क्योंकि जाने माने कलाकार हैं इस पर। हाँ, ये एक म्यूजिक एल्बम है और इसमें करीब लगभग 100 कलाकारों ने भाग लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कलाकार तो सभी नए हैं लेकिन वो आपको कहीं भी नहीं लगेंगे कि वो कलाकार नए हैं। और ये ख़ास तौर से होली के शुभ अवसर पर के लिए बनाई गई है। आपके बारे में जानना चाहूँगा, पहली बार कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या किया पहले उसके बारे में बताइए। मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम पीयूष चक्रवर्ती है और मैं इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर हूँ। मैं बतौर एक्टर शुरुआत किया था, बहुत सारी फिल्में मैंने की, फिल्मों का नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा यहाँ पे, लेकिन एज ए डायरेक्टर मैं एक हिंदी मूवी मेरी आ रही है जो कलकत्ता में 90% शूट हो चुकी है, जिसका नाम है व्हील चेयर। और उसमें काफ़ी मुंबई के कलाकार हैं, कलकत्ता के कलाकार हैं। मैं 100 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कर चुका हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें मुझे अभी 2 साल पहले सिनेमा सेंचुरी अवार्ड मिला था। इसके अलावा मैंने बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम किए हैं, बहुत ऐड किए हैं जी। तो क्या कहेंगे, ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या आपको प्रेरित किया बनाने के लिए, ऐसा क्या प्रेरणा था जो इस तरह का? नहीं, मैंने इसमें देखा कि जो प्रोड्यूसर है वो एक बिल्कुल यंग बंदा है और उत्साही है, और उसके साथ साथ जितने इसमें आर्टिस्ट भी हैं उन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, और ये बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं लगेगा नए आर्टिस्ट लोगों ने काम किया है। और दीपक एक बहुत ही उत्साही, जिसको कहते हैं ना, प्रोड्यूसर है, तो इसलिए मुझे लगा कि साथ देना चाहिए इन नए लोगों। सर, आपने जो क्या करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में बताइए, क्या बैकग्राउंड है आपका? मेरा बैकग्राउंड ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं मार्केट में नया हूँ और मैं भी एक स्ट्रगल करके निकला हूँ, ठीक है। आज मैं इस जगह बैठा हूँ, मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने काम किया, ठीक है। ये हमारी एक अच्छी लगी मुझे एल्बम, जिसका टाइटल था मुंबई शहर की होली, और इसका जो सॉन्ग था वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसके लिए मैं इसको लाइनअप किया और काम को आगे बढ़ाया और किया इस काम को। जो गाना था बहुत ही प्यारी गाना था और मुझे लगा कि नहीं, इसे होली में लॉन्च करना चाहिए इस गाने को। इस सॉन्ग में दीपक ने और विपुल ने, ये दोनों लोगों ने मतलब हीरो हैं बेसिकली इस सॉन्ग में। तो अभिनेता भी हैं, तो बताइए क्या क्या अभिनेता के तौर पे और निर्माता के तौर पे जो किया है फास्ट में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, फास्ट में तो अभी हमारा नेक्स्ट मंथ से एक मूवी करने जा रहा हूँ, ठीक है, और वो फ्यूचर मूवी है, काफ़ी बड़ी मूवी है वो, काफ़ी उसमें स्टार कास्ट रहेंगे, अभी उस पर वर्क चालू है, काम चल रहा है उस पर। और नेक्स्ट मंथ से हम चाहेंगे कि उसमें मार्केट के डायरेक्टर भी है, नाम नहीं लेना चाहेंगे अभी क्योंकि प्रोजेक्ट पे अभी वर्क चल रहा है, लेकिन उस काम को हम लोग पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे। और बाकी का सपोर्टिंग में रहेंगे सभी, काफ़ी लोग रहेंगे उसमें। आप कब से इंडस्ट्री में, सर ने बताया कि काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह किया है, आप इंडस्ट्री में कब से? मैं ज़्यादा दिन से नहीं हूँ इंडस्ट्रीज में, मैं 2 साल से इंडस्ट्रीज में हूँ। सर आप बताइए, परिचय दीजिए, बताइए कैमरा लोग दीजिए, प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? अरे ये आर्टिस्ट हैं, आप उनको बोलिए प्रोड्यूसर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में। प्रोड्यूसर मतलब सब मेरे को बहुत सही लगे एंड डायरेक्टर का मतलब डायरेक्शन सही लगा। अपने नाम से शुरुआत कीजिए, नाम क्या? बेसिकली माय नेम इज विपुल एंड आई एम 16 इयर्स ओल्ड। आप क्या करते हैं और फिल्म में कैसे, फिल्म में कैसे आए और ये गाना आपके ऊपर है तो क्या कहते हैं उसके बारे में बताओ सर। बेसिकली मैं ये लाइन में मतलब वही सर के द्वारा आया हूँ, दीपक सर ने मेरे को चांस दिए कि तुम इस काम कर सकते हो करके, और एक्टिंग का तो बचपन से शौक है मेरा, प्लस वही तो गाना करके कैसा लगा? गाना करके बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत सही लगा, सर की डायरेक्शन सही लगी मुझे, दीपक सर मतलब इतने उन्होंने मेरे साथ काम किया है, बहुत सही लगा। उन्होंने भी सही वक्त किया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब मैं किसी प्रेशर के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा लगा मुझे कि मैं भी मतलब एक्सपीरियंस है वो लोग। आपका कुछ और एम है इस गाने के अलावा और कुछ करने वाले? हाँ, मेरा तो फ्यूचर वही एम है कि मैं बॉलीवुड में मूवीज करूँ बड़े बड़े, और वही से। इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट है आपके पास? फिलहाल तो नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा। तो ये बेस्ट सबसे मुंबई शहर की होली में सबसे बेस्ट क्या लगा आपको, ये गाना किया?
मुझे इसमें लगा कि इसका जो रिदम है मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस मुझे ऐसा लगा कि इस गाने के अंदर कुछ है। तो दीपक जी के बारे में क्या कहना है? दीपक सर के बारे में कुछ नहीं, बहुत प्यारे हैं सर, जिन्होंने मतलब चांस दी मुझे इतना बड़ा, और डायरेक्ट लीड में तो आगे भी इनके साथ प्रोजेक्ट है। हाँ, ये चांसेस है। और मैम आप क्या कहेंगे, आपका क्या प्रोजेक्ट है और सर से कैसे जुड़ी? मेरा नाम संजना स्वामी है, मैं राजस्थान से हूँ। मुझे 6 साल हो गए, पहले 3 साल थिएटर किया, फिर उसके बाद मैं मुंबई आई। पहले जय राजस्थान में मैंने 4-5 वीडियो एल्बम किए हुए हैं, और यहाँ मुंबई में आके मैंने एपिसोड वगैरह भी किए। दीपक सर से मुझे एक सर थे, उन्होंने मुझे मिलवाया, उन्होंने मुझे इनका नंबर दिया, इनसे आके मैं मिली। ये वीडियो एल्बम मेरे पास भी आने वाला था, बट कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। इसलिए मुझे दीपक सर से हमारी बातें होने लगी, ये मुझे हर काम के लिए बताते हैं आगे, सीरियल वीरियल ये वो, इसलिए मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ। बाकी दीपक सर बहुत अच्छे इंसान हैं, जिस हिसाब से मुझसे बात करते हैं बहुत अच्छे हैं, और मुझे काम भी बताते रहते हैं। तो कुछ और प्रोजेक्ट इनके साथ करने वाली हैं? बिल्कुल, ये मुझे बताएंगे तो मैं करूँगी, मैं इसीलिए आई हूँ मुंबई। तो इस गाने को क्या शुभकामनाएं देंगी जो इनका है, जिन्होंने किया है? ये गाना अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही होगा और जनता भी बहुत सपोर्ट करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि फिल्म एंटरटेनमेंट है, इसकी जो खासियत है ये है कि ये पूरे देश भर के जो नए नौजवान लड़के हैं जिनको कहीं और मौका नहीं मिलता, जिसके लिए वो भटकते हैं, ख़ास तौर से उनको मौका देने के लिए ये प्रोडक्शन हाउस दीपक ने बनाया है। और क्या क्या ये प्रोडक्शन हाउस करता है? ये भाई, ये जो प्रोडक्शन हाउस है बेसिकली ये फिल्म एल्बम सीरियल एड ये सब बनाने के लिए है। अरे क्या यार, कट करो, कट कर लीजिए, क्या हम तब जा रही है अंदर भाई। एक एंटरटेनमेंट के लिए जो प्रोडक्शन हाउस हो गए वो क्या काम करेंगे? वो फिल्म बनाएंगे, सीरियल्स बनाएंगे, वेब सीरीज बनाएंगे, एड बनाएंगे, जो भी फिल्म से रिलेटेड वर्क है, जीवन बनाएंगे लोगों का डेफिनेटली। और हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से मेरी ये गुजारिश है कि ये जो म्यूज़िक एल्बम है मुंबई शहर की होली, ये आप ज़रूर देखें। इसमें काफ़ी उत्साह के साथ लोगों ने काम किया है, और सारे नए हैं, लेकिन फिर भी होली का धमाल देखने को मिलेगा।